हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक जिसका नाम रिजोल्यूशन है के चैप्टर फर्स्ट द थीफ स्टोरी के पार्ट 2 को पेज नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनिल वॉज एस्लिप, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कोनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा के प्रकाश की एक किरण छज्जे पर थी और मेरे बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशंस। परिस्थिति पर विचार करते हुए मैं उठकर फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग मतलब विचार करना। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूँ। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस मतलब रेलगाड़ी पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकल कर आई क्रैप्ड अप टू द बेड, मैं रेंग कर बिस्तर पर आ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल उस बिस्तर पर शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा स्पष्ट व चिंता मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर अत्यधिक चिन्ह थे। थो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे अधिकांश थे दाग थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरका सर्चिंग फॉर द नोट्स, रुपयों को तलाशने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पा लिया। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, तो मैंने बिना कोई आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइंड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, अनिल ने नींद में ही आह भरी और मेरी तरफ अपनी करवट बदली। आई वॉज स्टार्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं विस्मित था और शीघ्रता से रेंगता हुआ उस कक्ष से बाहर आ गया। वेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर आ गया। आई बिगेन टू रन, तो मैंने दौड़ना आरंभ कर दिया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, रुपये मेरी कमर पर थे। हेल्ड देयर बाय द स्टायरिंग ऑफ माई पजामास, वहाँ पजामा के नाड़े से बांधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैंने एक साधारण चाल तक अपनी गति धीमी कर दी थी और रुपयों को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, I could live like an oil-rich Arab for a week or two. 50-50 के नोटों में 600 रुपये में एक या दो सप्ताह तक तेल से धनी बने अरबवासी की तरह जीवन जी सकता था। मतलब वो बंडल में 600 रुपये थे जो कि 50-50 रुपये के नोटों में बटे हुए थे। तो हरी सिंह ने सोचा कि इन इतने पैसों में तो मैं अरबवासी में जो एक तेल व्यापारी होता है उसकी तरह मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ एक दो सप्ताह तक। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी चली ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, रेलगाड़ी को अभी गति पकड़नी थी और मैं किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, किंतु मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने बाहर निकल जाने के अवसर को खो दिया था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो मैंने स्वयं को निर्जन प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था
कि रात्रि कहाँ व्यतीत की जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई मित्र नहीं थे। बिलीविंग डैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मेरा विश्वास कि मित्र सहायता की बजाय समस्या थी। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं स्टेशन के नज़दीक किसी छोटे होटल में ठहर कर किसी को भी जिज्ञासु मतलब क्यूरियस नहीं बनाना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में जानता था वह वही व्यक्ति था जिसे मैंने लूटा था, तात्पर्य अनिल। लीविंग द स्टेशन से प्रस्थान कर आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार से होकर चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, चोर के रूप में मेरे छोटे से कैरियर में, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मेरे छोटे से करियर में मैंने व्यक्तियों के चेहरों का तब अध्ययन किया है जब उन्होंने अपनी वस्तुएं खो दी थी। The greedy man showed fear. लालची व्यक्ति के चेहरे पर डर दिखाई दिया था। The rich man showed anger. धनी व्यक्ति के चेहरे पर क्रोध दिखाई दिया था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति ने स्वीकृति दिखाया, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकृति। बट आई न्यू डैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि जब बट आई न्यू डैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, लेकिन मैं जानता था कि जब अनिल को चोरी का पता चलेगा तो उसका चेहरा केवल निराशा अनुभूति ही दिखाएगा, मतलब सैडनेस ही दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वह भी पैसे के खोने से नहीं बल्कि विश्वास के खोने के कारण। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, मैं स्वयं को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात्रि ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, यह नवम्बर का पूर्वार्ध था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडिड टू माई डिसकम्फर्ट, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी परेशानी को और बढ़ा दिया था, डिसकम्फर्ट मतलब परेशानी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, शीघ्र ही जोर से वर्षा होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. मेरी कमीज व पजामा मेरी चमड़ी से चिपक गए और ठंडी हवा ने वर्षा को मेरे चेहरे के आर पार फैला दिया। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और क्लॉक टावर के शरण स्थल में बैठ गया, शेल्टर मतलब शरण स्थल। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी अर्धरात्रि दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने रुपयों को टटोला। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वर्षा से वे नम्र या नम हो गए थे, मतलब गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू दी सिनेमा, हो सकता है प्रातःकाल वह इनमें से मुझे 2 या 3 rupees सिनेमा देखने के लिए संभवतः दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी तो वह सारे ही मेरे पास थे, मतलब सारे पैसे मेरे पास ही थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसके लिए खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, बाजार नहीं जा सकता था और पूरे वाक्य लिखना नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अनिल का पैसा नहीं सॉरी चोरी की उत्तेजना में मैं इन सब के बारे में भूल गया था।
आई हैड फॉरगेटन अबाउट इन द एक्सिस्टमेंट ऑफ द थेफ्ट। एक्सिस्टेंट मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना। होल सेंटेंसेस, होल सेंटेंस मतलब पूरे वाक्यों का। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। पूरे वाक्यों का ज्ञान मैं जानता था, एक दिन मेरे लिए इन कुछ 100 रुपयों से अधिक रुपये पैदा कर सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। यह तो सीधे सीधे चोरी ही थी और कभी ऐसे ही आसानी से पकड़ा भी जा सकता था। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर व सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ और ही था। आई टोल्ड माई सेल्फ मुझे अनिल के पास वापिस जाना चाहिए। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ मुझे अनिल के पास वापिस जाना चाहिए, मैंने स्वयं से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैंने स्वयं से कहा यदि मुझे पढ़ना व लिखना सीखना ही है। आई हुरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं अत्यधिक चिंतित भयभीत होता हुआ कमरे में शीघ्रता से वापस गया। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वापस गया क्योंकि कोई चीज चुराना अधिक आसान है बजाय बिना पकड़े इसे वापस करना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाजा खोला। डैन स्टूड इन द डोरवे, फिर बादलों से घिरे चंद्रमा के प्रकाश में द्वार मार्ग में खड़ा हो गया। डैन फिर स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं पलंग के सिरहाने तक रेंगता हुआ गया। और एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ रुपयों सहित ऊपर उठा। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी श्वास को मतलब सांस को मेरे हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एक मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा तलाश लिया और रुपयों सहित इसके नीचे सरक गया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड डैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली प्रातः देरी से जगा व पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल डूबने लगा। सैंक मतलब डूबना। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। किसने कहा? अनिल ने। ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मैंने कल कुछ पैसा कमाया था, उसने स्पष्ट किया, अब आपको नियमित भुगतान दिया जाएगा, अनिल ने हरी सिंह को कहा। माय स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ा। रोज राइज, रोज और रिजन सेकंड फॉर्म है ये। माय स्पिरिट्स, मेरा उत्साह बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट लिया। आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट स्ट्रीन, तो मैंने देखा कि यह रात्रि की वर्षा के कारण अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, आज से हम वाक्य लिखना आरंभ करेंगे, अनिल ने कहा, उसने कहा। ही न्यू, वह जान चुका था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके होठों व ना ही उसकी आंखों ने ऐसा कुछ प्रदर्शित किया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ मेरे सर्वाधिक आकर्षक तरीके से मुस्कुराया।
एंड द स्माइल केम बाय इट्सेल्फ, और मुस्कुराहट अपने आप आई थी विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर हो चुका है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।